हेलो स्टूडेंट्स, जनरल साइकोलॉजी में आज हम यूनिट थर्ड से इनसाइट थ्योरी या सूझ सिद्धांत, जिसे हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने प्रयास एवं त्रुटि अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन किया था। ये दूसरा सिद्धांत है और यह जो सिद्धांत है जिसे हम सूझ सिद्धांत कहते हैं, यह सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के विरोध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर, कोफ्का आदि गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया। विद्यार्थियों, गेस्टाल्टवादी या गेस्टाल्टिस्ट एक स्कूल का नाम है जिसमें कोहलर, कोफ्का और वर्डाइमर तीन मनोवैज्ञानिक थे, और इस स्कूल का नाम जो है वह गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं इसे हम। तो इस सिद्धांत का, इनसाइट थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर, कोफ्का द्वारा किया गया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में किया गया। और थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? ट्रायल एंड एरर या प्रयास त्रुटि सिद्धांत। सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी या कोई भी व्यक्ति, पशु सूझ या अंतर्दृष्टि के आधार पर सीखता है। सूझ के बिना केवल अभ्यास के आधार पर किसी प्रक्रिया को सीखना संभव नहीं है। यह सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि जब भी कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया सीखता है तो वह अनुक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखता है। सिर्फ अभ्यास द्वारा किसी भी अनुक्रिया को सीखना संभव नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू के आपसी संबंधों को समझने का प्रयास करता है ताकि समस्या का समाधान हो सके। तो विद्यार्थियों, इस सिद्धांत में यह बताया गया कि जब कभी कोई प्राणी किसी भी प्रक्रिया को सीखता है तो सीखने के वक्त वह उस परिस्थिति से संबंधित जो भी पहलू होते हैं उसके आपसी संबंधों को समझने की प्रयास करता है, ताकि यदि वह इन संबंधों को समझ जाता है तो वह उसे ऑर्गेनाइज करके, व्यवस्थित करके उस समस्या का समाधान कर सकता है। जब वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है तो उसमें अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिसे आहा अनुभव भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, जब प्राणी किसी समस्या का समाधान करने के लिए उन परिस्थितियों को नए ढंग से प्रत्यक्षण करता है तो वह उस परिस्थिति के जो विभिन्न पहलू हैं उनके आपसी संबंधों को समझने का प्रयास करता है, और जब वह उन संबंधों को समझता है तो उसमें अचानक एक सूझ या इनसाइट उत्पन्न होती है, जिसे हम अह एक्सपीरियंस भी कहते हैं या अह अनुभव भी कहते हैं। जैसे यदि आप कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए सभी के अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग प्रोसेस होंगे। किस तरीके से कोई भी मैथ का क्वेश्चन है उसमें प्लस करना है, माइनस करना है, ये सब आप बार बार करके देखेंगे और अचानक ही कई बार आपको उसका जो सॉल्यूशन है कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपके दिमाग में आ जाता है, और यही जो क्षण है उसे हम अह एक्सपीरियंस या अह अनुभव कहते हैं। तो सूझ अचानक होती है और इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है। प्राणी में जैसे ही सूझ उत्पन्न होगी वह तुरंत सही अनुक्रिया करता है, और इस तरह से वह सही अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करने को सीख लेता है। इस सूझ सिद्धांत को कोहलर द्वारा कई प्रयोगों पर
आधारित प्रयास किए गए और इन प्रयासों के आधार पर ही यह जो सिद्धांत है वह प्रतिपादित किया गया। कोहलर ने वन मानुष पर कई प्रयोग किए थे, जिनमें से सुल्तान नामक वन मानुष पर किया गया प्रयोग अधिक मशहूर है। तो विद्यार्थियों, कोहलर ने छड़ समस्या पर प्रयोग किया, या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक प्रॉब्लम पर उन्होंने एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग में उन्होंने कई वन मानुषों पर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए, जिनमें से एक वन मानुष जिसका नाम सुल्तान था वह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और उसका प्रयोग भी प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रयोग को, जिसको हम छड़ समस्या पर प्रयोग कहते हैं, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपके सामने ये एक चित्र दे रखा है, जिसमें एक वन मानुष ने दो छड़ियों को अपने हाथ में पकड़ रखा है, और दूसरे वाले जो चित्र है उसमें नीचे देखिए, उसने इसी छड़ के सहारे बाहर एक टेबल पर केला पड़ा है, उसे वह लेने का प्रयास कर रहा है। तो विद्यार्थी, इस प्रयोग में सुल्तान नामक भूखे वन मानुष को पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे के बाहर टेबल पर एक केला रख दिया गया। इस पिंजरे में दो छोटी छोटी छड़ें भी रख दी गई, छड़ या डंडी, जिसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि वह एक दूसरे से जुड़ सकती थी। केले को बाहर देखकर सुल्तान ने अपने हाथ से पहले तो कोशिश की, फिर पैर से केले को अंदर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह इन दोनों प्रयासों से उस केले को नहीं ले पाया। इसके बाद वन मानुष पिंजरे में पड़ी दोनों छड़ियों को अलग अलग लेकर बाहर जो केला रखा है टेबल पर, उसे लेने का प्रयास करता है, परंतु वह इस प्रयास में भी असफल हो जाता है, क्योंकि छड़ की लंबाई कम होती है। इसके बाद वन मानुष या सुल्तान उन दोनों छड़ियों से खेलना प्रारंभ कर देता है। खेलते खेलते अचानक ही एक छड़ का छोर दूसरी छड़ के छोर में जुड़ जाता है। इससे जो छड़ है वह काफ़ी लंबी हो जाती है और वन मानुष में अचानक उत्साह देखा गया, और इस लंबी छड़ के सहारे उसने बाहर टेबल पर रखे केले को खींचकर खा लिया। जब बाद में इस प्रयोग को वापस दोहराया गया, तो सुल्तान तुरंत ही दोनों छड़ को जोड़कर टेबल पर रखे केले को खींचकर खा गया। तो कोहलर ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा कि वन मानुष ने दोनों छड़ियों को जोड़ने और उनके सहारे केले को पाने की अनुक्रिया को या रिस्पॉन्स को, कि वह केला किस तरीके से दोनों छड़ को जोड़कर ले सकता है, यह अनुक्रिया उसने सूझ द्वारा सीखा। उसमें यह जो सूझ है वह अचानक उत्पन्न होती है। इस सूझ के उत्पन्न होने से पहले वन मानुष पिंजरे की जो परिस्थिति होती है, जिसमें छड़ की लंबाई तथा केले की दूरी, के पिंजरे से केला कितना दूर है, इसके बारे में या इसके बीच में जो संबंध है उसको स्थापित किया, और फिर उसे केले को लेने का प्रयास किया। और जैसे ही वन मानुष ने इन पहलुओं के बीच संबंध स्थापित कर लिया, उसमें ये सूझ जो है वो विकसित हो गई और उसने केले को पाने की जो अनुक्रिया या रिस्पॉन्स है उसको सीख लिया। तो विद्यार्थियों, हमने आज इनसाइट थ्योरी और इनसाइट थ्योरी पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है स्टिक पर, उसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।